चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। तो देश में इमरजेंसी लगे 40 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे पहले आया एक ऐसा बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या 25 जून 1975 का दिन देश में दोबारा आ सकता है। ऐसा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है। आज हम वंदे मातरम में आडवाणी के इसी बयान पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रदीप सौरभ जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि बीजेपी को काफी दिन से कवर करते आ रहे हैं। इसके अलावा शबनम खान हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, और राजीव त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस, और बाबू सिंह रघुवंशी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इन तमाम मेहमानों से हम हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मुकेश कुमार भी जुड़ चुके हैं, हमारे रेसिडेंट एडिटर हैं। इन सभी मेहमानों से हम एक एक करके हर एक पहलू को, मायने को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं अपने खास कार्यक्रम वंदे मातरम की शुरुआत। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक इंटरव्यू में कहा कि देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगने से इनकार नहीं किया जा सकता। देश में आपातकाल की 40वीं बरसी से ठीक पहले आडवाणी ने एक इंटरव्यू में बात कही है। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा आडवाणी ने इस इंटरव्यू में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का बयान, भारतीय राजनीति में आपातकाल की आशंका से इनकार नहीं, राजनीतिक व्यवस्था पर उठाए सवाल। आडवाणी के बयान से मचा सियासी भूचाल, केजरीवाल ने भी किया आडवाणी के बयान का समर्थन, कहा क्या दिल्ली में होगा इसका पहला प्रयोग। 25 जून 1975 वो दिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, और आज आपातकाल की 40वीं बरसी से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक अंग्रेजी अखबार को जो बयान दिया है उससे सियासी भूचाल आ गया है। जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर से देश में आपातकाल की आशंका जताई है। देश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर निशाना साधते हुए आडवाणी ने कहा है कि किसी के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ऐसा फिर नहीं होगा। लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता में कमी दिख रही है। मैं नहीं कह रहा कि राजनीतिक नेतृत्व तो परिपक्व नहीं है, लेकिन कमियों के कारण विश्वास नहीं होता कि फिर से इमरजेंसी थोपी नहीं जाएगी। मौजूदा व्यवस्था से मैं आश्वस्त नहीं हूँ, नेतृत्व से भी कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी के इस बयान के बाद तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि आडवाणी जी की आशंका सही है, भविष्य में इमरजेंसी की आशंका नकार नहीं सकते, क्या दिल्ली इसका पहला प्रयोग है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेता केसी त्यागी भी बीजेपी पर निशाना साधना नहीं भूले। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी की हालत खराब है, जनता सब देख रही है कि कैसे अपने चहेतों की मदद कर रहे हैं, जबकि सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि अगर आडवाणी जी ने चिंता व्यक्त की है तो चिंता की बात है। बीजेपी के अंदर स्थिति खराब हो रही है। लोकसभा के चुनाव में उस समय की जो परिस्थिति थी उसका फायदा उठाकर और तरह तरह के वायदे करके, झूठे वायदे करके ये लोग सत्ता में तो आ गए और अब ये चला नहीं पा रहे हैं। वैसे भी देश में समय जो व्यवस्था चल रही है वो प्रजातांत्रिक नहीं देगा, कहीं न कहीं तानाशाही रवैया दिखाई दे रहा है, और हम लोग भी इस बात से चिंतित हैं कि कहीं दोबारा देश में इमरजेंसी न लागू हो जाए। आडवाणी जी के साथ साथ मैं भी आपातकाल में बंदी रहा हूं,
मैं आडवाणी जी सहमति व्यक्त करता हूं कि आपातकाल जैसी परिस्थितियां और संदर्भ आज भी जीवित हैं और जिन कारणों से आपातकाल लगा था वो कारण अभी समाप्त नहीं हुए। आडवाणी के इस बयान पर जहां एक ओर विपक्ष केंद्र और बीजेपी पर जमकर निशाने साध रहा है, वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता द्वारा ऐसा बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो अगर लालकृष्ण आडवाणी ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में इमरजेंसी जैसे हालात दोबारा बन सकते हैं, ये बयान इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इसलिए शुरुआत मैं करना चाहूंगी यहाँ प्रदीप सौरभ जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और एक लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी को कवर करते आ रहे हैं। प्रदीप जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ क्या संदर्भ हम निकालें, किस संदर्भ में कहा होगा लालकृष्ण आडवाणी ने ऐसा? ये जान पाना थोड़ा सा मुश्किल है, चूंकि अगर आप स्मरण करें लालकृष्ण आडवाणी की पूरी राजनीतिक यात्रा को इमरजेंसी के बाद, वो ऐसी कोई जनसभा नहीं होती थी जिसमें इमरजेंसी का स्मरण नहीं किया करते थे। तो चूंकि अभी 25 जून को इमरजेंसी के क्या कहते हैं कि एक वर्षगांठ है और अभी एक ताज़ा इंटरव्यू में ये बात कही है, तो मुझे जो लग रहा है कि आडवाणी ये जो मौजूदा मोदी सरकार है उसके कामकाज से खुश नहीं दिख रहे हैं। और उसके चाल चलन को भी देखा जाए तो जिस तरह से सेंट्रलाइज तरीके से सरकार को चलाने की कोशिश की जा रही है, मंत्रियों के पास अपने अधिकार नहीं है, और आप अगर ब्यूरोक्रेसी में घूम के देखें तो सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सबके मुँह में पट्टी लगी है, एक जगह से सात रेस कोर्स से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। ठीक, अगर इमरजेंसी के दौर को और उससे पहले कि इमरजेंसी जब लगी थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस तरीके से इमरजेंसी को इस देश के अंदर थोपा था, सारे जो मौलिक अधिकार थे वो सस्पेंड कर दिए गए थे, प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी, तो ऐसी ही व्यवस्था थी कि उसी समय एक नारा भी आया था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, बरुआ ने इस बात को कहा था। तो ठीक इस समय भी मोदी इज इंडिया एंड मोदी इज इंडिया वाली कहावत लग रही है। और पूरा जो केंद्रीय करक तरीके से इस सरकार को एक तानाशाही, अगर इस शब्द को ना भी इस्तेमाल करें तो ऊपरी तौर पे जिद दिखती है, खासकर अगर आप भूमि अधिग्रहण बिल के सवाल को देखें को जिस तरह से तीसरी बार अध्यादेश के जरिए उसको लाया गया है, तो ये एक जिद और एक क्या कहते हैं कि डिक्टेटोरियल एक्ट है कि इस बात को, जबकि संसद की एक समिति को ये अध्यादेश दे दिया गया था, उसमें सारे पार्टियों के सांसद हैं और वो उस पर चर्चा करते हैं और फिर से संसद में रखा जाता तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता, लेकिन ये जिद और ये पूरी राजनीति की, अगर जो लोग राजनीति में खासकर नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली को जानते हैं तो वो बहुत रिवेंज पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति हैं। मैं नरेंद्र मोदी के भी बड़े क्लोज रहा हूं और उनके साथ मैंने पूरी गुजरात गौरव यात्रा की है और उनको बतौर हिमाचल प्रभारी, चंडीगढ़ प्रभारी, मैंने उनको हर तरह से बहुत नजदीक से देखा है, दंगों के दौरान गुजरात में रह के देखा है, तो ये एक जो रिवेंज एटीट्यूड है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी सीधे, आडवाणी जी सीधे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान में एक प्रतिध्वनि दिख रही है कि ये जो मौजूदा सरकार है, ये जो तिकड़ी काम कर रही है मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली की, जिस तरह से अंदरूनी, अभी आप देख लीजिए कि ये ललित मोदी वाले सवाल पर भी जिस तरह से क्या कहते हैं कि चीजें उभर कर आई, और ये भी बयान आया कि आस्तीन के सांप के कारण है, तो ये अगर इस पूरे पर्सपेक्टिव को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि जो राजनीतिक शैली है नरेंद्र मोदी की वो आडवाणी जी की शंका कहीं सही न साबित हो। जी शब्द प्रदीप जी, एक चीज और यहाँ पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके जो बयान आया है, जो इंटरव्यू में आडवाणी जी ने कहा है, वो उन्होंने एक चीज और कही है कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं और जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम में आया था और इमरजेंसी जब खत्म हो गई थी तो उसके बाद के जो नेता आए या जो सरकारें आई उन्होंने कुछ वैसा नहीं किया जिससे ये एश्योर हो सके कि आगे इमरजेंसी नहीं होगी, तो क्या इस तरीके का कोई प्रावधान इस सरकार को, हालांकि लोकतंत्र में अगर तानाशाही है तो तानाशाही को तो आप रोक सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के भीतर अगर कोई तानाशाह हो जाए तो उसके लिए जो है कोई कानून काम नहीं करता, क्या आपको लगता है कि ये इशारा है लालकृष्ण आडवाणी का कि पार्टी के भीतर में जो बागी स्वर थे या पार्टी के भीतर में जो एक असंतुष्ट तबका है उसके लिए भी एक इशारा है ये? पर देखिए कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी श्रीमती इंदिरा गांधी की भी रायबरेली में हार हुई बुरी तरीके से, और ये इस संकल्प के साथ वो सरकार बनी थी कि इस प्रावधान को खत्म करेगी, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा समय 5 साल भी पूरा नहीं कर पाई, 18-19 महीने उस सरकार ने काम किया, तब भी ये काम नहीं हो पाया। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी और खासकर संघ परिवार इमरजेंसी खिलाफ सबसे बड़े चैंपियन के रूप में उसने काम किया था, और टनों सामग्री मुझे याद है कि कई ट्रक जो पर्चे अंदरूनी तौर पर बांटे गए थे सेंसरशिप के खिलाफ वो नागपुर मुख्यालय ले जाए गए थे, तो ये तो एक नैतिक दायित्व भी बनता है भारतीय जनता पार्टी का कि वो ऐसे प्रावधान को, ऐसे कानून को क्या कहते हैं कि संसद के अंदर लाएं ताकि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो वो इस तरह की चीजें ना कर सके। लेकिन शबनम जी से सवाल ले लेते हैं। यहाँ शबनम जी, आपने सुना प्रदीप सौरभ जी को, उन्होंने भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए करते हैं, जैसे तानाशाह हुआ या फिर ये कहा जाए कि सारे फैसले प्रधानमंत्री निवास से लिए जाते हैं, कुछ इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आपकी पार्टी के नेता भी करते हैं? श्रेया देखिए, हम आपके सामने पूरा पुख्ता सबूत के साथ आप देख रहे हैं उस पार्टी के वो दिग्गज नेता आडवाणी जी जिन्होंने उस पार्टी को खून से सींचा है, अगर उनको भी इस तरीके की चीज दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है आडवाणी जी सिर्फ इतना कहना भूल गए कि इमरजेंसी जैसे हालात बनेंगे वाला नहीं, इमरजेंसी जैसे हालात चालू हो गए हैं और इमरजेंसी ही लगी हुई लगती है। आप देखिए किस तरीके से किसी को भी पकड़ के जैसे इमरजेंसी में बंद कर दिया जाता था, आपके सारे जितने भी अधिकार थे उनका हनन किस तरीके से किया जाता था। तो ये तो मोदी जी जब से आए आपके सामने स्पष्ट है, ना आपको हमें बताने की जरूरत है, जनता देख रही है कि किस तरह से 56 इंच की बातें करते, किस तरह से देशभक्ति की बातें करके मोदी जी ने किस तरह से जनता को गुमराह करके कुर्सी तो पा ली, लेकिन देश के लिए जो सब चीजें करनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं उन पर राजनीति और प्रधानमंत्री की कुर्सी इतना ज्यादा उनको लुभा गई है कि वो शायद उसका नाजायज फायदा उठाने की तरफ चल पड़े। मुझे लगता है मोदी जी को थोड़ी सी समझ रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत ज्यादा आपको आदर के साथ और देश के लिए दी जाती है। पर्सनल रंजिश, अभी सर ने भी कहा कि किस तरह से पर्सनल रंजिश वाले व्यक्ति, क्योंकि वो उनको बहुत सालों से व्यक्तित्व को भी देख पा रहे हैं, आप लोगों से दुश्मनी निकालने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने, आप देश को सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री बने, आप देश को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री बने। आप जब बात होगी कैमरे के सामने तो बड़ी बड़ी 56 इंच चौड़ी छाती लेकर बात करने लगेंगे, लेकिन जब सुविधाओं की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, तब आप मुझे एकदम पंगू से नजर आते हैं। मुझे लगता है मोदी जी को इस पर काम करना चाहिए, योग का दिखावा करने से बात नहीं बनेगी। देश को ताकतवर बनाने के लिए आपको जो चीजें करनी चाहिए थी, योग का दिखावा कभी करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर क्या काम किया गया, महिलाओं की सुरक्षा। त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी जी, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, बताएं राजीव जी। देखिए ऐसा है कि इमरजेंसी के हालात के लिए जो आडवाणी जी ने बयान दिया है, सौरभ साहब की बहुत सी बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए, क्योंकि वो सरस्वती पुत्र हैं और बेहतर जानते हैं देश को। देखिए मैं कहना चाहूंगा, इमरजेंसी वाले हालात तो सरकार ने पहले से लागू कर रखे हैं, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और जब किसी दूसरे मुल्क से कोई लड़ाई हो जाए उस हालातों में इमरजेंसी का लगाना वाजिब है कि इमरजेंसी लगाई जाती है। लेकिन ये तो ऐसे कोई हालात नजर आते नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो स्वतः ही इमरजेंसी है, और ऐसी इमरजेंसी है कि एक मिनिस्टर को अपना पीए तक नहीं रखने दिया गया, और उस पीए को जिन्होंने वो रखा था पीए उसको हटा दिया गया। तो ऐसी जो चीजें हैं, और आडवाणी जी जिस तरह से मार्गदर्शक मंडल में फेंके गए, कायदे में फेंके गए शब्द मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया, तो राजीव जी उनसे कोई राय नहीं लगता है कि ये जो संदर्भ है भारतीय जनता पार्टी जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये जो संदर्भ है जिस संदर्भ में आडवाणी जी ने कहा, ये पार्टी के अंदरूनी मामले के रूप में कहा है कि पार्टी के भीतर इमरजेंसी लगी है, एक ही पार्टी की चलती है, सरकार के भीतर एक ही आदमी की चलती है, देश पे इमरजेंसी नहीं है, पार्टी और सरकार के भीतर इमरजेंसी लगी, क्या संदर्भ ये नहीं हो सकता जो उदाहरण आप दे रहे हैं उससे भी यही लग रहा है? देखिए कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था या कोई भी पार्टी अगर कार्य करती है, बेहतर कार्य करती है और उस कार्य से देश को लाभ होता है तो वो बेहतर स्थिति होती है। विगत एक साल में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार
मोदी जी ने हाईजैक कर रखी है और उस हाईजैक प्रक्रिया में उन्होंने देश को कुछ डिलीवर तो करके दिया नहीं है। अगर वो डिलीवर करके देते तो निश्चित रूप से अडवाणी जी इस तरह की बातें नहीं करती। तो यहाँ दो विषय उठते हैं, पहली तो अडवाणी जी की व्यक्तिगत पीड़ा है, इसमें कहीं को दो राय नहीं, क्योंकि पीड़ा इसलिए कि उनको मार्गदर्शन मंडल में फेंक दिया गया। दूसरी पीड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको उन्होंने ब्लड से सींचने का काम किया और जिसके लिए उन्होंने कट्टरवाद हिंदू की बात की, जिसके लिए उन्होंने नफरत के बीज बोने का काम किया अडवाणी जी ने भी, आज वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कृत्यों से विनाश की तरफ जाने को चल पड़ी है। कारण यह कि एक साल में सरकार के पास अचीवमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बहन अभी बोल रही थी, छप्पन रघुवंशी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं। राजीव जी आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं बाबू सिंह रघुवंशी जी। बाबू सिंह जी, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? कौन उन्हें विश्वास नहीं दिला पा रहा लालकृष्ण आडवाणी को? किससे वो विश्वास चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो लग रहा है कि ये मोदी को गाली बको सत्र चल रहा है। आदरणीय आडवाणी जी, मैं भी आपातकाल में जेल में भी गया हूँ और बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक जेल के बाहर अंडरग्राउंड भी रहा हूँ। आडवाणी जी ने इतनी गंभीर चिंता व्यक्त की है जिसे इतने हल्के रूप में लिया जा रहा है, और इसको सीधे सीधे मोदी जी, उन्होंने तो एक पूरा पैराग्राफ जो है वो प्रेस के बारे में बोला है, एक पूरा पैराग्राफ लोकसभा के बारे में बोला है। उन सारे पैराग्राफ पर भी हम आएंगे, उन पर हम आएंगे, लेकिन बस मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ बाबू सिंह जी, लालकृष्ण आडवाणी ने ऐसा क्या देखा जिस पर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं? मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि लालकृष्ण जी आडवाणी जी का 26 तारीख को, 25 जून को रात को इमरजेंसी लगी थी, उसके परिप्रेक्ष्य में इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे इंटरव्यू लिया है। उन्होंने चल के कुछ नहीं बोला है, उनका इंटरव्यू लिया गया और एक विषय विशेष पे दिया गया। आज उनके जो इस बारे में धारणा है कि आज की परिस्थिति में आज के कानून के अनुसार आपातकाल लग सकता है क्या, तो उन्होंने कहा लग सकता है। उन्होंने उसमें कमजोरी कौन कौन सी आ सकती है ये गिनाई है, उसमें उन्होंने जुडिशरी की, न्यायपालक की कमजोरी गिनाई है, उसमें नेताओं में अगर कोई विभ्रम उत्पन्न हो जाए, वो तानाशाह हो जाए, तो वो एक बात गिनाई है। उन्होंने कानून में अगर कोई गड़बड़ हो गई है, कोई सुधार नहीं हुआ है, उसको गिनाया है। उन्होंने जो प्रजातंत्र का चौथा खंभा प्रेस है उसके बारे में कहा है। तो चारों खंभे जो है प्रजातंत्र के, उन सबके बारे में उन्होंने कहा है और ये चिंता व्यक्त की है कि आज भी संविधान में ऐसे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे। एक बात कहना चाहूंगा मैं जी, राजीव जी बोलिए। अभी जो उन्होंने आडवाणी जी के बारे में कहा, आडवाणी जी ने बिल्कुल वाजिब बात कही है, इसमें कहीं को संशय नहीं है। और मेरे से पहले जो पत्रकार बंधु बोल रहे थे सौरभ जी, उन्होंने कहा था कि लैंड ऑर्डिनेंस पे किसानों के हितों के मामले पे सरकार जिस तरह से बिहेव करती रही है, ये इमरजेंसी नहीं तो और क्या है? ये इमरजेंसी नहीं तो और क्या है? कुछ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बजट काट दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में बजट काट दिया गया, मनरेगा का बजट काट दिया गया, ये इमरजेंसी नहीं तो और क्या है? ये निश्चित रूप से कोई हिसाब से कोई कार्य नहीं कर रहा है, कोई अचीवमेंट निकलने के पास नहीं है, कोई अचीवमेंट प्रधानमंत्री जी के बयान पे हो रही है, बजट काट दिया इस पे हो रही है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि बहस किस पर हो रही है। थे मुझे लगता है आपने अवसर दे दिया इसलिए कुछ तरह बोलते रहेंगे। राजीव जी आपके पास भी आएंगे, प्रदीप सौरभ जी जवाब दे रहे हैं क्योंकि आपने संदर्भ में इस्तेमाल किया है। प्रदीप जी बताएं, ये बहस आडवाणी जी के जो इंटरव्यू उस पर हो रही है और उनकी शंका कहां से उत्पन्न हुई है, उन सवालों को हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने इसी संदर्भ में ये बताने की कोशिश की थी कि वो जो संदर्भ, देखिए अभी आप एटिकेट सिखा रहे थे, अब मैं जब बोल रहा हूं तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आडवाणी जी के बयान को हम परख रहे थे उस कसौटी पे कि आखिर ऐसा क्या हो गया इतने बड़े लौह पुरुष को कि अचानक 40 साल बाद उनको फिर ये इल्हाम होने लगा कि साहब इस देश में फिर से इमरजेंसी लग सकती है। तो उस संदर्भ में ये तलाश हो रही थी आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं। उस संदर्भ में नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर बात हुई, तभी मैंने उदाहरण दिया ये लैंड बिल वाला, और लैंड बिल के बारे में बताया कि किस तरह की जिद है उनकी उसके प्रति। तो ऐसा नहीं है, लैंड बिल अगर पास नहीं होगा तो देश ठहर नहीं जाएगा, लेकिन ये एक राजनीतिक शैली की बात है जिसके कारण हो सकता है कि आडवाणी जी के मन में ले पाता है। ऐसा मैं देख रहा हूं, कहने से बात नहीं मिलेगी। जी जी, आप बोलिए।
पुलिस का भेजा इस्तेमाल ये क्या है, ये इमरजेंसी नहीं है? आप पुलिस को अपने खाकी वर्दी उतरवा के उसे खादी वर्दी पहना के काम ले रहे हैं, ये सब क्या है? इस पे क्या जय हो करने से बात बनेगी? आप जिसको चाहते हैं पकड़ के बंद कर देते हैं, जिसको चाहते हैं आप छुड़वाते हैं, जो केस आप चाहते हैं आप जुडिशरी से वहां पर फायदा लेने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज क्या है? ये सब इमरजेंसी है बाबू भाई, आपको इन सब चीजों पर भी गौर करना होगा। सिर्फ क्योंकि मैं बीजेपी से आता हूं तो मैं पूरे देश की जनता का अधिकारों का हनन कर लूंगा? आपको ये जनता माफ नहीं करेगी। गलती से 5 साल दे दिए, आपको भुगतान करना पड़ेगा जल्द से जल्द इस बात का। मोदी को गाली बको सत्र चल रहा है। कोई गाली नहीं बक रहा है उनको, कोई गाली नहीं बकता है। आप एक गाली बकने का काम करते हैं, हम लोगों को काम से ही फुर्सत नहीं है कि हम मोदी जी के पीछे जाएं। जो जैसा करेगा उसको ऐसा बनना पड़ेगा बाबू सिंह जी, जैसा करेगा पड़ेगा। और पानी पीजिए, सब बहुत राजीव त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी बोलिए राजीव जी। आपने इमरजेंसी देखी नहीं है? हमने इमरजेंसी देखी है। आप लोगों ने देखी है, जो यहाँ बैठे हैं उन लोगों ने बहुत समझदारी से देखी है। राजीव जी, राजीव जी कुछ बोल। बाबू भाई से एक बात कहना चाहूंगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में गाली बकना सिखाया जाता होगा, कांग्रेस पार्टी में गाली बकना नहीं, आरएसएस में भारतीय जनता पार्टी में गाली बकना सिखाया जाता होगा, कांग्रेस पार्टी में गाली बकना नहीं। कांग्रेस में राजीव त्यागी बोलना चाह रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जी राजीव जी बताएं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे भी तो अवसर दीजिए। तीनों बेहतर बोल लूंगा, राजीव जी करूंगा, बोल नहीं पाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि मुझे सुनने के लिए बुलाया आपने? नहीं नहीं, आपको पूरा मौका देंगे राजीव जी, पहले आप फिनिश कर लीजिए। कि सौरभ साहब कुछ कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं तो वो गलत कह रहा हूं, बाकी और कोई कुछ कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी की शैली है कि कोई भी व्यक्ति इनके हिसाब से काम ना करे तो उसको दबाना कुचलना ये लोग बाग जानते हैं, क्योंकि आरएसएस में यही सिखाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं एक बात कि शाह जी हैं जिन पे बहुत सारे संगीन आरोप थे, और संगीन आरोप का व्यक्ति जो कि तड़ीपार व्यक्ति रहा हो, जिसको गुजरात हाई कोर्ट में बाहर निकालने का काम किया हो, वो तड़ीपार व्यक्ति जब अध्यक्ष है तो इमरजेंसी की आठ हो सकती है, इमरजेंसी की बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लुम्पन एलिमेंट पिछले एक साल से जिस तरह से लुम्पन एलिमेंट कह रहा हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बहुत सारों को, जिस तरह से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो इमरजेंसी की आठ नहीं। अगर अडवाणी जी बात कह रहे हैं तो अडवाणी जी को सोचना चाहिए था, अडवाणी जी को सोचना चाहिए था। जिस टाइम अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन मोदी जी को करना चाहिए था, तो अडवाणी जी ने मोदी जी को बचाने का काम किया था। तो अडवाणी जी ने जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जब उन्होंने बबूल नामक मोदी को बोया है तो आम की उम्मीद ना करें। जी राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, जो अभी लाल कृष्ण आडवाणी का बयान आ रहा है कि देश में इमरजेंसी लग सकता है, तो मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूं कि जो लाल कृष्ण आडवाणी है वो भविष्य का कुछ नकारात्मक सोच जो है हर एक इंडियन सिटीजन के दिमाग में पैदा कर रहे हैं, और इमरजेंसी कोई हलवा नहीं है कि 2 मिनट में इमरजेंसी लग गया, 2 मिनट में इमरजेंसी छूट गई, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो उनको ये सब बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे एक निगेटिव थॉट आता है हर किसी के जहन में, और जो वो मोदी सरकार का इनडायरेक्टली विरोध कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए कि वो भी एक भाजपा के मेंबर रह चुके हैं। हमारे साथ बाबू सिंह रघुवंशी बीजेपी से लगातार जुड़े हुए हैं। बाबू सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ऐसी कौन सी स्थितियाँ देखी लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया? मैं आपसे उन परिस्थितियों के बारे में जानना चाह रही हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी ने कोई बयान नहीं दिया है। लाल कृष्ण जी आडवाणी का 25 तारीख को, चूंकि 25 जून को यह अवसर आता है, इमरजेंसी की वर्षगांठ मनाई जाती है, उसके अवसर पर इंडियन एक्सप्रेस की कोई प्रतिनिधि ने उनका इंटरव्यू लिया है, उन्होंने पहली बात। दूसरी बात के अडवाणी जी और हम सब प्रति वर्ष, और उसमें हमारे दूसरे संतों का मतलब समाजवादी पार्टी के नेता लालू यादव, नीतीश कुमार, जितने लोग जेल गए थे वो कहीं ना कहीं एकत्रित होकर इसकी वर्षगांठ मनाते हैं और इस बात की चिंता करते हैं कि फिर से
देश में आपातकाल ना लगे। आपातकाल लगाने के लिए जरूरी है कि आपातकाल लगाने के बाद उसका संसद और राज्यसभा से अनुमोदन करना पड़ता है। अभी तो हमारा राज्यसभा में बहुमति नहीं है और आप कह रहे हो आपातकाल, और इस तरीके से मतलब बहुमत हो जाएगा तो सोचेंगे इस तरह कोस कोस के आपातकाल लगाने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। इसकी चिंता माननीय लालकृष्ण जी अडवाणी जी ने व्यक्त की है। उन्होंने प्रेस का भी कहा है कि प्रेस भी अपना दायित्व पूर्ण रूप से नहीं निभा पा रही है। बाबू सिंह जी एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए बाबू सिंह जी। उन्होंने कहा सरकार जो भर्ती है इमरजेंसी की भर्ती हर एक साल आती है, और हर एक साल आडवाणी किसी न किसी सभा में जाते हैं इमरजेंसी की, सभी नेता जाते हैं। इससे पहले उन्होंने कोई इस तरह की आशंका नहीं जताई थी। अब जब मोदी की सरकार आ गई है, अपनी पार्टी की सरकार है, एक साल सरकार ने अभी भी पूरा किया है, और इस मौके पे आडवाणी ने ये आशंका जताई है, तभी ये सवाल उठा है, तभी हम डिस्कशन कर रहे हैं इस बात पे। इससे पहले आडवाणी जी को कभी नहीं ये लगा कि आशंका कि फिर से इमरजेंसी हो सकता है। प्रत्येक वर्ष 25 जून को हम लोग आपातकाल के विरोध में दिवस मनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, और प्रत्येक वर्ष वही चिंता जाहिर करते हैं जो माननीय आडवाणी जी ने अपने उस इंटरव्यू में दी है। आप उनकी पुस्तक पढ़ लीजिए, उन्होंने पूरे 150 पेज इन्हीं चिंताओं को रखते हुए लिखे हैं। आप उनके ब्लॉग और उनके ट्विटर पिछले वर्ष के देख लीजिए, उसके पिछले वर्ष के देख लीजिए, ये कि ये मैं देख के आया हूँ बाबूलाल जी अभी पूरा रिसर्च करके आया हूँ, नहीं है कहीं पे, आप नहीं देखे हैं, फिर से आप देखिए, कहीं नहीं है। ये आशंका पहली बार जताई है आडवाणी ने, आडवाणी जी ने पहली बार आशंका जताई है। उनकी लिखी हुई किताब में अगर उसके विमोचन में भी मैं भी उनके विमोचन में शामिल था, किताब भी, हालांकि ये चैप्टर में आप लोग कुछ तो भी बोल रहे। नहीं, इमरजेंसी के टाइम का जिक्र जरूर किया है, लेकिन आशंका नहीं जताई है। जो बात आज उन्होंने कही वो पहली बार कही है। आशंका जताई है नहीं, आज जो उन्होंने कही है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, और मुझे इस बात से बिल्कुल कोई आश्वासन नहीं कर सकता कि इमरजेंसी नहीं लगाई जा थोपी जा सकती है, ये आशंका उन्होंने पहली बार जताई है। नहीं, आज ऐसी स्थिति है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा है। नहीं, आपने ट्विटर की बात करी, आप बताइए किस दिन के ट्विटर में है ये बात, किस दिन ट्वीट किया है बताइए आप। अरे पिछले साल के 23-25 दिन का ट्विटर देखिए। जी बाबू सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल राजीव त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजीव जी, देखिए मैं दो विषयों पर बात कहना चाहूंगा। पहला विषय तो यह है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे मोदी सरकार का टकराव जगजाहिर है, चाहे वो न्यायपालिका रही हो, चाहे वो प्लानिंग कमीशन रहा हो, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं उसमें जगजाहिर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आडवाणी साहब ने जो कहा है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं बाबू भाई को, कि जब आडवाणी से पूछा गया कि खास तौर पर ऐसा क्या नहीं दिख रहा है जिससे हम समझे कि भारत में इमरजेंसी थोपने की स्थिति है, जवाब में उन्होंने कहा अपनी राज्य व्यवस्था में मैं ऐसा कोई संकेत नहीं देख रहा जिससे आश्वस्त रहूं। नंबर एक, नेतृत्व से भी जैसा कोई उत्कृष्ट संकेत नहीं मिल रहा है, लोकतंत्र को लेकर प्रतिबद्धता और लोकतंत्र के अन्य सभी पहलुओं में कमी साफ दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व नहीं है, लेकिन कमियों के कारण विश्वास नहीं होता, मुझे इतना भरोसा नहीं है कि फिर से इमरजेंसी नहीं थोपी जा सकती। ये समाचार पत्रों में छपा है, इसको जूम करके देख लीजिए बाबू सिंह जी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। नंबर एक। नंबर दो विषय मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, रघुराम राजन जो RBI के गवर्नर है उनसे जेटली जी का टकराव जग जाहिर है, क्या संवैधानिक संस्थाओं से देश की सरकार का टकराव जग जाहिर नहीं है? क्या वो किसानों को कुचल देना नहीं चाहती? क्या वो मजदूरों को कुचल देना नहीं चाहती? क्या वो मिडिल क्लास को कुचल देना नहीं चाहती? मैं बाबू सिंह जी से एक चीज पूछना चाह रही थी आपके माध्यम से, कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, मुसलमानों को देश में रहने का अधिकार छीन लेना चाहिए, किराए पे अगर कमरा मुसलमान ने ले लिया तो आपका बीजेपी का पार्षद गुंडे की तरह वहां पर चढ़ाई कर दी उसने उन मुसलमान परिवार के ऊपर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए आपके मन में ऐसी भावना है और आप उसे बढ़ावा भी देने में लगे? एक भी किसी व्यक्ति पर सांसद ने अगर ऐसी बात कही मुसलमानों के प्रति तो किसी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वो छोटी जाति से आती है, उन्हें समझ नहीं है, ये किस तरीके का बचाव है? जिस बहन का बंबई में केस हुआ कि उनको मकान नहीं दिया गया, बाद में मुंबई वाला छोड़ दीजिए, मैं अभी वाला कली वाला बता रही हूँ आपको,
कि आपके पार्षद भाजपा के पार्षद ने जाके उसके मकान को ताला लगा दिया अपना, आप इसका जवाब दीजिए। आपने उस पर कोई एक्शन लिया ऐसे पार्षद पर? अरे मुसलमानों का वोट देने का हक दिया जाए, हमारा अधिकार छीनने के वोट देने का। हमारे देश में स्वतंत्रता है, हमारे संविधान में, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, आप कौन होते हैं छीनने वाले? चलिए अब आप जवाब देंगे तो मुझे ये बता दीजिए, मैं शुरू से आपसे पूछ रही हूँ, आडवाणी जी को ऐसा क्या लगा, ऐसी कौन सी स्थिति आपकी पार्टी में नजर आई जो उन्होंने इमरजेंसी की बात कह दी? ये छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे इंटरव्यू लिया, जो बरसों बरस से जब से हम इमरजेंसी के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं 1977 के बाद से, इसमें के आयोजन करके, सभा करके, सिंपोजियम करके, हर वर्ष इसी तरह की बात करते हैं कि इस देश में दोबारा इमरजेंसी ना लगे, इससे प्रयास करना चाहिए, कानून में प्रावधान होना चाहिए। जुडिशरी उस समय नतमस्तक हो गई थी, कुलदीप नैयर की किताब पढ़ी आप, कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी नाक रगड़ के इंदिरा गांधी के सामने बैठे हुए थे। नहीं इमरजेंसी नहीं लगे इसकी बात तो ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग करते हैं, लेकिन आशंका इस बार जो उन्होंने व्यक्त की है कि इस बार उन्हें लग रहा है कि सरकार में ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है जो इमरजेंसी उन्होंने कहा है, अपने अपनी ही सरकार पे उन्होंने उंगली उठाई है। उन्होंने कहा वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सारे राजनीतिक दलों के नेतृत्व में ये दोष दिखाई दे रहा है जी, ये उन्होंने कहा, उन्होंने किसी पार्टी या व्यक्ति की तरफ इंगित नहीं किया है जी। जी बाबू सिंह जी आपके पास हम दोबारा जी आपके पास हम दोबारा आएंगे, फिलहाल इस पूरे बयान जी राजीव जी आपके पास भी मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं जी। आप दोनों के पास हम दोबारा से आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने दर्शकों को सुनवा दें कि इस बयान पर राजनीतिक गलियारों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश के अंदर जिस तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, सत्ता का कंसंट्रेशन हो रहा है, और यह बात हम लोग भी शुरू से ही कहते आ रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट के रूप में किया गया था, तो हमारा जब से मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की गुजरात स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जैसी है। आडवाणी जी का यह बयान अति महत्वपूर्ण हो जाता है और सवाल ये उठता है कि आडवाणी जी का इशारा किन ताकतों पर है, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर? क्योंकि जो आडवाणी जी के साथ हुआ वो पूरे देश को पता है। आ सकता है पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हो गई तो आपातकाल घोषित करना ही होगा, लेकिन 1975 में अपना आसन बचाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार आपातकाल की घोषणा की और लाखों बेकसूर लोगों को जेल में ठूंस दिया, वैसी बात होने वाली नहीं। या क्या कहेंगे प्रदीप सौरभ जी, जिस तरीके से कह रहे थे कि पाकिस्तान से लड़ाई हो गई तो आपातकाल लगाना ही पड़ेगा। देखिए मैं जी आपको पहले स्पष्ट किया था कि 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय इमरजेंसी लगाई गई थी, एक्सटर्नल इमरजेंसी उसको कहते हैं। वो तो टू टाइप्स ऑफ इमरजेंसी युद्ध के समय तो लगाई ही जाती है, वो तो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल इमरजेंसी। मिसेस गांधी ने 42वें अध्यादेश को सस्पेंड करके जिसके अंदर हमारे तमाम नागरिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, इन सारे सवालों का होता, तो उसको सस्पेंड करके इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी। एक तो बात ये समझने की, अभी कोई बड़ी कोई अकाल हो जाए तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। राजीव जी कुछ कह चाह रहे हैं जी। राजीव जी देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, दो बात कहना चाहूंगा। पहला विषय तो मैं रखना चाहूंगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा, इसीलिए राजीव गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था लेके आए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करके गांव में प्रधान जो है निश्चित रूप से गांव को चलाने का काम करेगा। हमारा तो कंसेप्ट यह है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप जान लें कि गुजरात मॉडल में उन्होंने हरेन पांड्या, हरेन पाठक, संजय जोशी, दिल्ली में आकर के उन्होंने जिस तरह से लालकेश अडवाणी और आपके मुरली मनोहर जोशी और जितने भी सीनियर लीडर हैं सबको उन्होंने खुड़े से लगाने का काम किया, जो चिंता का विषय है। अपने विरोधी से संवाद किया जाता है, अपने विरोधी से बातचीत की जाती है। ये तो सभी पार्टियों में होता है, कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में भी 10-10 पार्टी सब चीज चलता है। लेकिन जिस तरह से जिस राजीव जी यही आरोप तो आप पे भी लगता था ना, 10-10 पद्धति सारी चीजें होती है, वहां भी इमरजेंसी है। जिस तरह से मोदी बुलडोज करते हैं अपने विरोधियों को, चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय। गुजरात में उन्होंने नहीं, राजीव जी यही आरोप आपकी पार्टी पर भी लगता है
और गुजरात में जिस तरह से राजीव जी आप सुनने की भी कोशिश कीजिए राजीव जी, यही आरोप आपकी पार्टी पर भी लगता है, आपकी पार्टी में भी इमरजेंसी की बात की जाती है, दस जनपद से ही सारी चीजें होती है। सवाल पूछिए मैं जवाब दूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ पीठ पीछे दिखाने वाला आदमी नहीं हूँ। तो सवाल तो सुन लीजिए, पहले सवाल तो सुन लीजिए, कर पाऊंगा, कोई गलती होगी तो माफी मांगूंगा। राजीव जी सवाल ये है कि आपकी पार्टी में भी तो सारे जो फैसले लिए जाते हैं वो सोनिया गांधी की तरफ से लिए जाते हैं, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से लिए होती हैं। नहीं देखिए आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं जो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी का आज ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन हूं और स्पोक्स पर्सन होकर के यहां कार्य कर रहा हूं। निश्चित रूप से मैं सोनिया गांधी जी को बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं ना राहुल गांधी जी को जानता हूं, लेकिन उसके बाद भी अपना कार्य कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा हमारे यहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपने निश्चित रूप से अपने मापदंड तय कर करके निर्णय लेने का काम करती है और हमारे यहां हर चीज सोनिया गांधी जी डिसाइड नहीं करती है, बहुत सारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वो डिसाइड कर देते हैं अपना। तो हमारे यहाँ ये लोकतंत्र की जो आधारशिला है कांग्रेस पार्टी ने जो रखी देश में, विपक्ष में आने के बाद विपक्ष में बैठने के बाद कुछ चीजें जरूर बदली है। प्रदीप सौरभ जी हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट चाहेंगे। राजीव जी ऐसा है ना कि जिस इमरजेंसी की हम चर्चा कर रहे हैं वो तो श्रीमती इंदिरा गांधी की देन थी और श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की थी और कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री भी थी और उन्हीं के जमाने में जवाब देना नहीं, नहीं आप पहले बात सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है कांग्रेस पार्टी में श्रीमती गांधी ने पहली बार ऐसा किया कि सरकार और सत्ता और पार्टी दोनों को अपने हाथ में लिया। तो ये जो केंद्रीकरण की राजनीति है उसके तो जन्मदाता आप भी हैं और चलिए आप अगर उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं माफी मांग रहे हैं तो डेमोक्रेसी में हर चीज के लिए माफी की जगह है, लेकिन जिद करना फिर वही डिक्टेटोरियल एक्ट से काम करना ये गलत है लोकतंत्र के अंदर। जी जी, तो अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे सभी मेहमान अपना शॉर्ट कमेंट दे दें। शुरुआत जी राजीव जी आपके पास भी आएंगे, शुरुआत में बाबू सिंह जी से करना चाहूंगी। श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल में जो लोग जेलों में बंद रहे और बाहर रहे और उसमें से अनेकों लोगों की हत्याएं की गई, एक तो उसकी जिम्मेदार है। दूसरी श्री राजीव गांधी ने जब उनका शासन 5 साल का रहा तो प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाया था, वो भी एक इमरजेंसी का ही प्रतीक था। तीसरी बात राहुल गांधी ने जो अध्यादेश फाड़ा, पूरे मंत्रिमंडल के निर्णय को उन्होंने अपने पार्टी के अधिवेशन में फाड़ के फेंका और उसके हिसाब से फिर पूरे मंत्रिमंडल ने अपना निर्णय बदला, ये बताता है कि तानाशाही पूर्वक शासन और तानाशाही पूर्वक पार्टी कैसी चल रही है। हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है हिंदुस्तान की। देखिए आप गुजरात को मत भूलिए बाबू सिंह जी, उसके साथ आप जिन बातों की जिक्र कर रहे हैं वहां पर यही सब नरेंद्र मोदी ने किया था और उनका भी मैं गवाह रहा हूँ, आई विटनेस अकाउंट है मेरे पास उस दंगों का, इसलिए आप भी पाक साथ नहीं और कांग्रेस भी पाक साथ नहीं। बहुत ही संक्षेप में मैंने जवाब देने के लिए कहा है, अब बाबू सिंह जी आपका वक्त खत्म हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इंदिरा जी के खाते में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, निश्चित रूप से इमरजेंसी वाला जो विषय है वो चिंता का विषय मैं मान सकता हूं, इसमें कहीं की दोराय नहीं, लेकिन बांग्लादेश से अटैक होने के बाद वो पाकिस्तान से सन 71 में लड़ाई होने के बाद और बांग्लादेश का गठन होने के बाद आर्थिक रूप से देश अगर हम वर्तमान परिपेक्ष में बात कर ले तो राजीव जी ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, हमारी जनता के लिए। शबनम जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, मोदी वक्त मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। श्रेया अभी बाबू सिंह जी 3-4 पॉइंट लेकर बैठ गए थे, क्योंकि ये हुआ था उसे भी इमरजेंसी कहते हैं, क्योंकि वो फाड़ा था उसे भी इमरजेंसी कहते हैं। मैंने इतना बड़ा मुद्दा आपके सामने रखा कि क्या किसी पर्टिकुलर समुदाय को उनका वोट का अधिकार छीनने की बात करना ये सबसे बड़ी इमरजेंसी की बात नहीं है, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो दाएं बाएं की तरफ देख रहे हैं। मुझे लगता है जनता सब समझ रही है और आपको जो गलती से सत्ता हाथ में दे दी है बहुत जल्दी आपको बाहर का रास्ता भी जनता दिखा देगी। सौरभ जी बाबू सिंह जी आपको मैंने बहुत टाइम दे दिया, मोदी जी शबनम जी शबनम जी जल्दी रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जनता एक दिन बाहर का रास्ता दिखाएगी, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। प्रदीप जी आपका वक्त पूरा हो चुका है, अब माफ कीजिएगा मुझे, अब मैं आपको और वक्त नहीं दे सकती। प्रदीप जी बहुत ही संक्षेप में जल्दी से देखिए इस बहस का कोई अंत नहीं है और लेकिन ये बहुत चिंता की बात है कि जो लालकृष्ण आडवाणी ऐसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है अगर वो इस तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं तो इस देश को
और हर राजनीतिक दल को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पे सोचना चाहिए उसकी गंभीरता को। जी तो बिल्कुल, यहाँ जब इतना सीनियर लीडर इस तरह की बात कहते हैं तो हर किसी को राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है कि आखिरकार क्या स्थिति हमारे देश में बन रही है जो कि इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। इसी के साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी अपने तमाम मेहमानों का। हमारे साथ नेता आम आदमी पार्टी शबनम खान, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा राजीव त्यागी, बाबू सिंह रघुवंशी और प्रदीप सौरभ के साथ साथ मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी हमें अपना समय दिया, अपने हर एक बात हमें बारीकी से समझाने की कोशिश की। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको पब्लिक पंच के साथ। एक बार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी रेगिस्तान में रास्ता भटक गए। दोनों भूखे प्यासे थे, तभी सामने एक मस्जिद दिखाई दी। राहुल गांधी ने मोदी जी को कहा, चलो मस्जिद में चलते हैं। मैं अपना नाम अहमद बोलूंगा और तुम रहमान बोलना, तो वहाँ खाना पीना मिल जाएगा। मोदी जी ने कहा, नहीं, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, मैं एक हिंदू हूँ और हमेशा हिंदू ही रहूँगा। दोनों मस्जिद में गए। मौलवी जी ने पूछा, आप लोग कौन हैं? मोदी ने कहा, मैं नरेंद्र भाई मोदी हूँ। राहुल गांधी बोले, मैं अहमद हूँ। मौलवी जी ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी जी को पानी दीजिए और कुछ खाने को दीजिए। मौलवी जी राहुल की तरफ घूमे और बोले, अहमद मियां, रमजान मुबारक हो।